Hi guys, welcome back. So all the Prabhas fans assemble here, all the Kalki fans assemble here. Boss, मजा ही आ गया. एक ऐसी अपडेट आई है, कल रात की बात है, एक अपडेट ऐसी आई थी भाई, सुनकर के आपको भी मजे आने वाले हैं. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग. ठीक है, देखो जब हम कल्कि की बात करते हैं तो मुझे ये भी पता है कि चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी टाइम हो, कल्कि को लेकर ना बस जो है हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है. जितने भी फैन क्लब्स हैं वो सारे एक्टिव रहते हैं. और कल्कि इज ऑलरेडी अ ब्रांड, एक जिसको कहते हैं ना कि जिसको बेचने की, सेल करने की भी जरूरत नहीं है, प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है, इतना बड़ा ब्रांड कल्कि ऑलरेडी बन चुकी है. ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्या न्यूज आई है वो बताती हूँ आपको इस वीडियो में. वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जितने भी हम लोगों ने अपडेट्स देखे हैं कल्कि के, इससे पहले भी, वो सारे के सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे इतने बॉम्ब की तरह गिरते हैं कि भाई जब ये फिल्म आएगी ये क्या करेगी, इसका स्केल कितना बड़ा है, इसका विजन कितना बड़ा है. फिर चाहे वो ओवरसीज राइट्स को लेकर न्यूज आई थी, या उससे पहले शूट को लेकर भी काफी सारी न्यूज आई थी, भाई बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हमने नहीं देखा है. प्रभास की एंट्री इतनी जबरदस्त होने वाली है इस फिल्म में, जो हमने इससे पहले नहीं देखी है. अब एक और न्यूज आई है, कल शाम को चेन्नई में नीली ओली करके एक कॉन्सर्ट हो रहा था ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ कल्कि, संतोष. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब उसमें क्या हुआ कि ना सडनली विजुअल्स चलने शुरू हो गए कल्कि के टीजर के. जी हाँ, और जो बीजीएम था ना वो बिल्कुल नया, यूनिक, डिफरेंट कह लो, सेकेंड बीजीएम जो है वो वहां पर रिलीज किया गया उस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट में. People went berserk. एक तो उस कॉन्सर्ट का आप स्केल देखना, अगर आपने वो वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, इट इज ह्यूज. मतलब इतना क्राउड है वहां पर, देखकर मुझे लग रहा था भाई क्या हो रहा है ये. ठीक है, उस पर जैसे ही हमने ये देखा कि कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ एंड एज द म्यूजिक स्टार्टेड प्लेइंग, बीजीएम जो हमने टीजर में पहले बीजीएम देखा था ना, वो बीजीएम नहीं है, दिस इज अ सेपरेट यूनिक फ्रेश बीजीएम ऑफ कल्कि जो कि वहां पर प्ले हुआ और लोग पागल हो गए तब से लेकर और अभी तक. और मुझे लगता है अभी 2-3 दिन तक कल्कि विल बी ट्रेंडिंग ऑन टॉप. इट इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप, अभी भी टॉप ट्रेंड पे चल रही है और 2-3 दिन तक भाई ये कहीं नहीं जाने वाली ट्रेंड से. तो जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि फिल्म को तो रिलीज होने में अभी 9th of May है, अभी तो प्रमोशन स्टार्ट हुआ है. मुझे लगता है प्रमोशन तो स्टार्ट हो गए हैं इस तरीके की, बीच बीच में हमारे पास अपडेट्स आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी अपडेट्स. एक कॉन्सर्ट में नया बीजीएम रिलीज होना इज अ पार्ट ऑफ यू नो प्रमोशनल कैंपेन. तो भाई आई मीन अनडाउटेडली इस फिल्म के इतने खरीदार होंगे ओवरसीज में, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, एग्जीबिटर्स बैठे हैं, लोग पागल इसीलिए हो गए हैं क्योंकि भाई सलार में जो देखा ना जलवा, यहाँ पर वो उसको कई ज्यादा बढ़ाकर चढ़ाकर दिखने वाला है वो द कॉन्सेप्ट, द स्केल ऑफ द विजन ऑफ दिस मूवी, एंड इट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लास्टिंग. लोग वैसे भी प्रभास, मतलब मैं तो कहती हूँ ये बात कि काफी सारे हेटर्स भी रहते हैं, काफी सारी नेगेटिविटी भी रहती है उनके फिल्मों के आसपास, लेकिन भाई कुछ भी कर लो, लेकिन फिल्में जो है वो 500 करोड़ 600 करोड़ ऐसे ही मिंट कर जाती है, मतलब ऐसे ही चलते फिरते. ये होता है प्रभास की फिल्मों के साथ, एंड आई एम श्योर कल्कि के साथ ना बहुत जबरदस्त कलेक्शंस का एक बाढ़ आने वाली है व्हेन इट कम्स टू द बॉक्स ऑफिस. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई, मुझे लगा फटाफट मैं आपसे शेयर करूँ. इस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग द डे, लेकिन ये कल रात की न्यूज थी, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट इन द मॉर्निंग, राइट इन द मॉर्निंग. सो अब आप इस पर अपना रिएक्शन बताना, आपको क्या लगता है कि कल्कि क्या क्या बनने वाली है, and are you excited for it or not, let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just also a thanks.